प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर झाबुआ जिले में सोयाबीन के दामों में वृद्धि और प्रदेश में अवैध गतिविधियों को लेकर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने एसडीएम अनिल राठौर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने सोयाबीन के भाव बढ़ाने, बढ़ती महंगाई, प्रदेश में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के साथ हो रही बलात्कार की घटनाओं पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान पेटलावद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक वालसह मेदा ने कहा कि प्रदेश सरकार को किसानों के हित में फैसला लेते हुए सोयाबीन के दामों में वृद्धि करना चाहिए, क्योंकि दाम में वृद्धि न होने के चलते किसानों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा। वही किसान श्याम गरवाल का कहना है कि खाद, बीज, केमिकल के भावों में लगातार वृद्धि होने के चलती फसल की लागत दुगनी हो जाती है और दामों में वृद्धि नहीं होने से किसानों को आर्थिक परेशानी से जूझना पड़ रहा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किस बाबत है सर? आज हमारे प्रदेश के कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष ने पूरे प्रदेश में आज महंगाई को देखते हुए, आज भ्रष्टाचार को देखते हुए, आज यहाँ हमारे हर ब्लॉक में, हर तहसील में जो ज्ञापन दे रहे के राज्यपाल महोदय के नाम से कि आज सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, सद्बुद्धि दे, क्योंकि आज हमारे किसान दवाई लेने जाते हैं तो आसमान का भाव, खाद लेने जाते हैं आसमान का भाव, जब हम खेती करते हैं बोते हैं तो हमको 12,000 रुपये क्विंटल मिलता है, बेचने जाते हैं तो 3,000-4,000। तो हमारी आज ये इस आंदोलन के माध्यम से हमने एक ये ज्ञापन बढ़ा कर दिया है कि हमारे किसानों को जो फसल आ रही है इसमें इनको 6,000 क्विंटल सोयाबीन का भाव मिले और जो फसल बिगड़ी है इसको मुआवजा दिया जाए। अगर आपने मुआवजा नहीं दिया तो अगर हमको मजबूरी में जो रोड चक्का जाम करना पड़े, बिल्कुल मैदान में उतरेंगे और किसानों के हित के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है।